तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा सब कुछ, मैं तेरा सब कुछ। हर कर्म हम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, हे वतन तेरे लिए। हाय गाइज, मैं माना सिंह और आप लोग के इस यूट्यूब चैनल फन फन फ्रेंड्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज रविवार 26 जनवरी 2020 है। पहले मैं आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। विश यू हैप्पी रिपब्लिक डे। वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 71st एनिवर्सरी ऑफ रिपब्लिक डे ऑन संडे 26th 2020। तो दोस्तों, ये हम लोग जो है 26 जनवरी मनाने जा रहे हैं। आज 71 ईयर 71 साल हमारे गणतंत्र दिवस को हो गया है। तो आइए उसी के उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ वीडियो बता देने जा रहा हूँ, कुछ मैथ के ट्रिक हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। और दोस्तों, मैं आसान से आसान तरीके से सवाल को हल कराऊंगा और उसको आप समझिए, इस सवाल को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, 60 में कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। फाइंड द डिवाइजर बाय हाउ मेनी नंबर्स डिवाइड 60, मतलब कितनी संख्या जो है 60 को डिवाइड कर सकती है, कितने डिवाइजर ऐसे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप भाग देंगे दोस्तों, ऐसे बड़ी बड़ी की संख्याएं दे देंगे तो आप उलझ के रह जाओगे। तो मैं इसको आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा। तो पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आपको समझाता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करता हूँ। जैसे मान लीजिए 6 है, ठीक, 6 है। अब 6 में कह दिया कि कितनी संख्याओं से आप भाग दे सकते हो, तो सोचने में टाइम लगेगा ना, कितने से दे सकते हैं। तो पहले इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्या है उसको क्लियर करते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आइए 6 को आप काट लीजिए, पहले फैक्टर कर लीजिए इसका, ठीक है। फैक्टर तो 2 से पहले काट लीजिए, 2 टाइम 6, फिर 3 से कटा, 3 के 3 कट गया ना। तो 6 का फैक्टर कितना हो गया, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो फैक्टर किए हो, इसकी जो मैक्सिमम पावर है उसी में 1 जोड़कर और सभी पावर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर सामने। ओके, तो आइए वेरी इजी ट्रिक। तो यहाँ कितनी पावर, कुछ नहीं तो 1 समझिए, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 समझ लीजिए, ठीक है। और देखिए, इन पावरों में हमेशा एक और जोड़ेंगे, एक और जोड़ेंगे। तो यहाँ पर भी लिखेंगे 1 प्लस 1, यहाँ से आप इंटू इंटू करेंगे दोस्तों, इसका इंटू और 1 प्लस 1, ठीक, ये है आपका। जितनी पावर है, पावर में 1 जोड़कर दोनों का गुणा कर दीजिए। तो कर लीजिए, क्या हो गया, 1 के 2 गुणे, यहाँ 2 2 2 4 आ गया दोस्तों। मतलब 6 जो है, ऐसी 4 संख्याएं हैं जो 6 को काट सकती हैं। तो आइए देख लीजिए कौन कौन है। जैसे 6 में हम 1 से भाग दे दिए, 1 6 के 6 हो गया, और 6 में हम 2 से भाग दे दिए, कितना हो गया, 2 3 6 हो गया, ठीक। और 6 में हम अगर 3 से भाग देंगे तो 3 2 3 2 6 हो गया, कट गया। और 6 में आप 6 से भी दे सकते हो ना, 6 के 6, क्यों नहीं। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 संख्याएं हो गई, 1 से 2 से 3 से और 6 से हम 6 को काट सकते हैं, ऐसी 4 संख्याएं हैं। तो इसी तरह से आइए 60 का हम करेंगे फैक्टर। तो 60 का पहले फैक्टर कर लेते हैं, आइए कर लेते हैं फैक्टर। हाँ दोस्तों, सवाल लगाने से पहले मैं ऑप्शन दिया हूँ कि इसमें कौन सही है। ए है 10, बी है 15, सी है 12 और डी है 60। इसमें से कौन सा, आप आंसर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आइए समझते हैं क्वेश्चन। चलिए 60 का फैक्टर कर लो पहले। तो 60 का फैक्टर करेंगे तो 2 से काटिए, 2 3 6 0, फिर 2 से कटेगा, 2 1 2 2 5 10, 15 2 23, फिर 3 से कटेगा, देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 10 15, फिर अब ये 5 से कटेगा, ये 5 1 5 हो गया। तो ये 60 का फैक्टर कितना आ गया आपका, 60 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 या 3 बार है तो पहले एक साथ उसको कह लीजिए, कलेक्ट कर लो। तो 2 कितनी पावर, 1 1 2 पावर हो गए, तो यहाँ लिख लो 2 पावर 2 और इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। अब ये कितनी संख्या हो जाएगी, देखो सब में 1 जोड़ लो, यहाँ 1 जोड़ दो, यहाँ 1 जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, सबका मल्टीप्लाई करो, इसमें से आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 1 इंटू यहाँ 1 प्लस 1 और इंटू 1 प्लस 1, ठीक।
अब कर लो कितना हो गया, दो एक यहाँ पे जाएगा कि तीन, और यहाँ दो हो जाएगा, और यहाँ भी दो हो जाएगा दोस्तों। तो तीन दुना छः दुना बारह, तो ऐसी कितनी संख्या है जो 60 को काट सकती है, 12 संख्या है जैसे बताया, इस तरह से आप निकाल के देख सकते हो। राइट आंसर आएगा एकदम दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है मैच कर रहा है, सी ऑप्शन सही है दोस्तों। इस तरह से आप किसी भी संख्याओं कितनी संख्या उस कटी की उसको निकाल सकते हैं। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आंसर कमेंट कीजिएगा। यह है आपका 420 कितनी संख्याओं से कटेगा, आंसर आप हमें कमेंट करके दीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी उसे कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हो दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसी उपलक्ष्य में, 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आप लोग इसको सब्सक्राइब मार दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको मिल सके। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, एंड हैव ए नाइस डे। वंदे मातरम। ओके, अगली वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।